आप उधर देख रहे हो, 72 पे नजर नहीं है क्या? 72 हमें चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? काम करो, पैसा कमाओ। मैं क्यों नजर रखूंगा 72,000 पर? मैं खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, तो 72,000 पर क्यों नजर रखूंगा? जो भी इलेक्शन हो, जो भी वोट हो, हमें उससे क्या लेना? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। 72,000 पर धुआंधार राय। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। युवा साथी जब बोल उठे तो 72,000 और 15 लाख पर ऐसी चोट की कि देखकर आप भी कहेंगे वाह, मजा आ गया। क्या बोले खुद ही देखिए। हर किसी को 72,000 रुपए चाहिए? चाहिए मात्र यार, बिल्कुल चाहिए। अगर 72,000 रुपए हर किसी को मिलने लगे तो ये भाई पंचर जोड़ने वाले पंचर नहीं जोड़ेंगे, मैं गाड़ी चलाने वाला गाड़ी नहीं चलाऊंगा। हर किसी को 72,000 रुपए, 72,000 रुपए लेके 72,000 आएंगे कहाँ से? कौन देगा? 130 राहुल भैया कह रहे हम देंगे। कहाँ से आएंगे? 130 करोड़ की आबादी है, 72,000 के देखो तुम कितना जाओगे। राहुल भाई कौन सी मिले चले, राहुल यहाँ से 72,000 रुपए देंगे? राहुल भैया की BSF बटालियन 36 में CRPF में नौकरी है और राहुल भैया के पूरा घर बहुत बड़ा देश प्रेमी है, देशभक्त है, तो देश की सेवा करके शायद हमारी देश का जनता का भला करेंगे, शायद वो खुद अपना भला कर लें तो शायद फिर हमें 72,000 रुपए दें। फिर भैया 72 की तो हवा निकाल दी तुम्हें, लग रहा है मिल जाएंगे? क्यों नहीं मिलेंगे, अगर सरकार बनेगी तो मिलेंगे। बनेगी तो मिलेंगे 72। यार बनेगी कहां से? अरे जनता वोट देगी। अरे क्यों देगी? क्यों नहीं देगी जनता? ना सरकार बनेगी ना 72,000 रुपए मिलेंगे, किसी को नहीं मिल सकते। जो युवा सक्षम है उसी को तो रोजगार मिलेगा, जो सक्षम ही नहीं है उसको रोजगार कैसे मिलेगा? 72 मिलेगा रोजगार का करना क्या? 72,000 रुपए बैठ के खाली पर मेहनत कौन करेगा? 72 फ्री मिल ही जाएंगे तो मेहनत कौन करना चाहेगा? जब 72 मिलेंगे तो मेहनत का क्या करना? मेहनत तो करना पड़ेगा। क्यों अंकल जी, आप उधर देख रहे हो, 72 पे नजर नहीं है क्या? 72 हमें चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? काम करो, पैसा कमाओ। हम उस आदमी को, उस व्यक्ति को, उस कॉमेडियन को नेता नहीं बनाएंगे जो हमें 72,000 रुपए दे। हमारा मनोरंजन जब फ्री में हो रहा है तो हमें 72,000 की जरूरत नहीं है। 72,000 की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, पंग बना रहा है, पैसा बना रहा है। अच्छा, कोई 72,000 मिल जाए मेहनत नहीं करेंगे तो घर बैठ के खाना ही है, पर तो खर्च करने की व्यवस्था ढूंढनी है, कहाँ का खर्च करना? फिर तो मॉल में घूम नहीं लेंगे, अपाचे जैसी आराम से घुमा करेंगे, टेंशन क्या है? भैया तुमने खरीद लिया अपाचे? क्या अभी नहीं, अभी तो छोटी। 72 से खरीदो। नहीं 72 से क्यों खरीदेंगे, खुद से खरीदो। और क्या नजर है तुम्हारी 72 पे? क्यों मेरी क्यों नजर रहेगी? कमाना नहीं जानते तो 72,000 खरीदूंगा? कोई नजर नहीं है, मैं क्यों नजर रखूंगा 72,000 पर? मैं खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ, तो 72,000 पर क्यों नजर रखूंगा? जो भी इलेक्शन हो, जो भी वोट हो, हमें उससे क्या लेना? कोई अच्छा नेता है, बढ़िया काम करे, इन्होंने भी बढ़िया काम करा, आगे भी बढ़िया काम करना चाहिए। जिसको जो भी नेता है अच्छा बढ़िया करेगा वोट उसे 72,000। 72,000 तो तेल लगाने जाए उससे कोई मतलब नहीं है। वोट मांगने वाली ये बातें कर रहे हैं ना, 72,000 ना 15 लाख, किसी का मैं लालच नहीं है, जो अच्छा काम करेगा वही रहेगा। तुम भाग रहे हो, 72,000 ले, 72,000 नहीं ले रहे तुम्हें? अरे नहीं लेने क्या? अरे उसके कहने पर ना कर रहे हो भैया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी बता के जाओ। लो भैया तुमने तो पान भर लिया, तुम तो सड़ा दो। तो भैया 72,000 की ये बात हुई और 72,000 पर जनता ने अपनी राय रख दी। एक ने कहा 72,000 और 15 लाख गए, आगे खुद सुन लेना। वाकई जनता है बेबाक बोलती है, लालची नहीं है 72,000 वाली, और जब जनता बोलती है तो अपनी राय से सब कुछ बदलना भी जानती है। आप भी बताइए आपको क्या लगता है, क्या इस बार 72,000 पर वोट पड़ेगा या फिर 72,000 की हवा निकल जाएगी? अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, हेडलाइंस इंडिया।